कुंवर विजय प्रताप सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद अब सभी राजनीतिक दल कुंवर विजय प्रताप सिंह पर निशाना साध रहे हैं। विरसा सिंह वालटोहा ने कल प्रेस वार्ता की थी। इससे जुड़े राजीव भगत के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद अब सभी राजनीतिक दल कुंवर विजय प्रताप सिंह पर निशाना साध रहे हैं। हिमाचल पुलिस द्वारा ड्रग माफिया के साथ अकाली दल ने आज कुंवर विजय प्रताप सिंह के घर को घेरने की कोशिश की, जहां पुलिस और अकाली दल भिड़ गए। पुलिस ने शिरोमणि अकाली दल के कई नेताओं को भी गिरफ्तार किया और बताया कि विरसा सिंह वालटोहा के पुत्र गौरव वालटोहा ने कहा कि कुंवर विजय प्रताप सिंह और ड्रग तस्कर राजीव भगत का बहुत करीबी रिश्ता था। वे हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था और जब तक कुंवर विजय प्रताप सिंह एक पुलिस अधिकारी था तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मैं समझदा भी गल ये नहीं होनी चाहिए भी बंदरी का दंद खाने वाले होर तो वखाने वाले होर, इस करके मैं बड़ी क्लीयर हाँ। देखो ये साडा प्रोटेस्ट करना साडा जमहूरीयत साडा फंडामेंटल राइट है। ये पुलिस तक आ करेगी तो फिर असं भी चुप करके बैठा नहीं, बैरियर लगाया बैरियर आप तोड़ दिता, होर जो मर्जी कर लो असं अपनी गल इतने अच्छ रख के रवेंगे। तो केजरी साहब तो बारे मैं कहना ये माफ़ी मंगन पंजाब के लोगों तो गुमराह कर रहे हैं, तो मैं पंजाब की संगत को बेनती करता भी एवें नवी नवी चीज़ वेख के ना बहुता आप सिर पर चढ़ा लिया करिए, पहला वह पिछोकड़ वेख लो वह अक्स वेख लो भी बंदा कि साड़ी गल पूरी कर सकता, जिहड़ा बंदा पंजाब का नहीं जिन्हों पंजाब के लोगों का पंजाब के हितों का नहीं पता वो सानू पंजाब वासियों की देगा। जिद की कोशिश।